बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए गाइस ये। बाकी इन्होंने चार पीस करके दिए हैं इसके, ये देखो अंदर ब्राउनी भरी हुई है इसके अंदर। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल उज्ज्वल फूडी। तो आज हम अब मतलब मैं भी इससे पहले एक शूट करके बैठा हूँ, तो उसके बाद ही मैं सीधा यहाँ पर आ गया हूँ मालवीय नगर में मिशन मोमोज। तो गाइस यहाँ पे 50+ टाइप्स के मोमोज, 50 के वो ज़्यादा लग रहे थे। बाकी मैं पहुँच गया हूँ मालवीय नगर, जा रहा हूँ आउटलेट की तरफ। मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है, तो वैसे ज़्यादा भी नहीं है, 1 किलोमीटर पास में ही है, अब आराम से पैदल चलते हुए जा सकते हो। बाकी हम पहुँचने वाले हैं, चल के आपको सब कुछ दिखाता हूँ, टेस्ट वेस्ट कैसा है सब कुछ। आ जाओ। तो भाई सबसे पहले क्या बन रहा है हमारा? वेज मोमो चाट। तो ये कौन से मोमो चाहिए? कुरकुरे मोमो आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज, और ये फ्रेंच फ्राइज भी आएंगे इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डीप फ्राई होंगे, ये आ गए हमारे डीप फ्राई होंगे इसके अंदर अब। तो ये फ्राई फ्रेंच फ्राइज, वो भी डीप फ्राई होंगे। डाल दो इसी के साथ, डाल दो। गर्मी तो बहुत ज़्यादा भी है यहाँ पे, मेरे को तो सर्दियों में इतनी गर्मी लग रही है, गर्मियों में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती होगी यहाँ पर। एसी है यहाँ पे? एसी भी है। तो ठीक है, तो 3 से 4 मिनट बाद अब ये हो गया, हो चुका है। निकाल दो भैया, इससे बनेगी हमारी मोमोज चाट। यस सर जी, मोमो चाट। तो गाइस किस किस, मैंने तो पहली बार सुना है ये मोमोज चाट। अगर आप लोगों ने कभी खाया हो या फिर सुना हो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ये देख सकते हो, देखने में तो बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है ये। बस भैया आप सबका तेल निकाल देंगे अब अच्छे से। लो जी एक हो गया, सबका तेल निकाल दो, पे किसी का मत छोड़ना। Yes, आ जाएंगे इसके अंदर 6 पीस, बड़े बड़े पीस हैं इसका। तो मतलब इस वजह से इसमें रखा है कि आप वीडियो भी बनाओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उस कंटेंट। ये आ गए हमारे मोमोज, कौन से? वेज मोमोज नहीं, वेज मोमो कुरकुरे। तो ये आ गए हमारे फ्राइज भी, आ गए हमारे मोमोज के ऊपर। पहली बार देख रहे हो गाइज आप लोग मोमोज के साथ फ्राइज। अभी तो इसके ऊपर देखो पता नहीं क्या क्या आएगा। आप क्या आ रहा भैया इसके ऊपर? ये चिपोटले सॉस। चिपोटले आ गई, ये आ गई चिपोटले। ये भर दी भैया ने तो। अभी ये क्या म्यूनिस, कौन सी है? वेज है ना? वो वेज है। ये आ गई म्यूनिस ऊपर से थोड़ा सा। खुशबू गाइस कसम से बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो भैया आपका बन रहा है प्लेटर? मोमो प्लेटर। प्लेटर में कौन कौन से हैं? अभी कौन कौन से बनेंगे? हमारे दो सर पैन फ्राइड के हो जाएंगे। ये पैन फ्राई होंगे, पनीर वाले हैं। पनीर मोमो के दो पैन फ्राइड हो जाएंगे। ठीक है। दो सर बटर मसाला हो जाएगा। बटर मसाला दो। और ये नॉर्मल फ्राइड हो जाएंगे सर। ओके। और ये स्टीम होंगे। ये स्टीम होंगे। ये सर तंदूरी करेंगे। तंदूरी। और ये नेम फ्राइड करेंगे सर। ठीक है। ये मतलब एक प्लेटर में 6 मोमो जाएंगे? 12। हाँ मतलब 12 सॉरी। ठीक है, मैं 6 बोल रहा हूँ। चलो बनाओ। तो ये सारे डीप फ्राई होंगे? चलो जी, उसके बाद असली इसकी मेकिंग स्टार्ट होगी। इसको लगेंगे अपने 4-5 मिनट। अब उसे चलते हैं हम उस पर। अच्छा स्टीमर नीचे लगा हुआ है। ये हो रहे हैं हमारे दो यहाँ पे स्टीम। ओए ओए गर्मी आ गई। चलो बंद कर दो। चलो जी अब दूसरी जगह चलते हैं। अब क्या बन रहा है भैया? ये पनीर तंदूरी अफगानी मोमो। पनीर तंदूरी अफगानी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसमें आएंगे हमारे 2 पीस। और ये क्या है? ये पनीर अफगानी सॉस। ये अफगानी सॉस है सर। अच्छा हम अफगानी सॉस लगाएंगे। ये अलग से आपने पहले से बना के रख रखी है? ये लग गया हमारा पनीर अफगानी मोमोज का पेस्ट। अब इसमें आ गई हमारी ये प्याज और कैप्सिकम। कैप्सिकम और ओनियन। चलो डाल दो एक मोमो के साथ 1 पीस जाता सर। चलो जी रख दो इसमें, रख दो। ये इस पर रख के कहाँ जाएंगे? ये सरवेंडर पे तंदूरी होगी सर। इसमें? यस सर। क्या बोलते हैं इसको? सरवेंडर। इसमें तंदूरी होंगे ये? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो गाइस इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट कितनी देर में हो जाएगा? ये 5 से 6 मिनट लगेंगे। ओके। और हमारे शायद ये हो गए यहाँ पे।
तो क्या बन रहे हैं यहाँ पर अब? पैन फ्राइड, पैन फ्राई मोमोज हो रहे हैं। ये आ गया इसमें थोड़ा सा ऑयल, कैप्सिकम एंड ऑनियन, कौन चटनी है भैया? ये रेड सॉस, शेजवान सॉस है ये। अब इस कैचअप भी आएगा इसके अंदर, जब पैन फ्राई मोमोज के अंदर ये सब है। अच्छा अच्छा अच्छा, देख देखने में और कुछ भी तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी, बाकी अब टेस्ट भी देखेंगे कैसा है। ये मीट मसाला, ये मीट मसाला आ गया इसके अंदर। मसाले में मीट तो नहीं होता ना, चिकन नहीं, नहीं नाम ही है इसका मीट मसाला। मीट मसाला होता है लेकिन चिकन नहीं होता। पहले मेरे को ये लगता था कि चिकन होता है इसके अंदर। इधर फ्राई हो चुके हैं, अब इसके अंदर से ऑयल वॉयल सब निकल चुका है। एक प्लेटर में 12 पीसेज हैं, लेकिन मेरे को तो ये दो इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, इनफ लग रहे हैं मेरे को दो बंदों के लिए। 12 पीस हो गए हमारे पैन फ्राई मोमोज रेडी। बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं गाइस ये कसम से। आप कौन सा बन रहे भैया? बटर शराब या, इसमें जाएगा मूल बटर। बटर शराब, अमूल बटर आ गया इसके अंदर। ये आ गया हमारी बटर शराबिया की सॉस, थोड़ी देखने में बटर चिकन जैसी लग रही है। और क्या आएगा इसके अंदर? अभी पहले इसको थोड़ा पकाएंगे, इतने टाइम 1000 टेम्परेचर पे। 1000 टेम्परेचर पे, ओके 1000। बटरी बटरी खुशबू आ रही है इसमें तो बड़ी। ये हो गए हमारे रेडी अब वाले मोमोज। चलो जी ये आ गए इसके अंदर शराबिया मोमोज हैं। ये हो रहे हैं अब मिक्स। बस इसके अंदर कुछ आएगा अब? नहीं, रेडी जाएगी अमूल क्रीम वगैरह बस। अच्छा अमूल क्रीम आएगी बस, बाकी ये रेडी हो चुका है। ये आ गए हमारे शराबिया मोमोज। बाकी अब 6 पीस रेडी हो गए हैं, अब नेक्स्ट 6 पीस की बारी। ये आ गए हमारे नॉर्मल पनीर कुरकुरे। अब इसमें अंदर आएंगे दो अपने फ्राई वाले जो इधर फ्राई हो रहे हैं, और दो थे स्ट्रीम वाले। हाँ ये आ गए हमारे दो स्ट्रीम के लिए रखे थे हमने। आ जा हाथ में, कहाँ भाग रहा है। ये आ गए पनीर स्ट्रीम। ये आ गए हमारे लास्ट फ्राई मोमोज। ये हो गया हमारा प्लेटर रेडी, ये देखो। चलो और हमारे लास्ट आइटम हो रहे हैं हमारे चॉकलेट मोमोज। तो गाइस अब ये हमारे चॉकलेट मोमोज हो रहे हैं, ये बाहर आ जाएंगे हम सीधा, इतने टेस्ट कर इनका टेस्ट बताते हैं कैसा है, प्राइस क्या है, बाकी लास्ट में हम ट्राई करेंगे अपने चॉकलेट मोमोज। चलो बाहर चलते हैं सीधा। तो गाइस हम लोग आए थे मिशन मोमोज पर, तो हमने ये लिया है यहाँ पर, देखो ये हमारा मोमोज चाट। इसका प्राइस वेज है हमारा ये मोमोज चाट, इसका प्राइस 1229 है। इसके अंदर 6 कुरकुरे मोमोज हैं, और बाकी ये है हमारा 366 का प्लेटर। इसके अंदर है हमारी ये पैन फ्राई मोमोज हैं, ये है हमारा वेज शराबिया मोमोज पनीर वाले हैं ये, और ये है हमारे अफगानी मोमोज, और ये हमारे नॉर्मल कुरकुरे फ्राई, और ये स्ट्रीम। बाकी सबसे पहले हम ट्राई करते हैं पहले ये मोमोज चाट। ये आप पहली बार देख रहे होगे, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, पहले फ्राइज टेस्ट करते हैं इसकी। वही क्रिस्पीनेस इसके अंदर पूरी है, बाकी ये देखो ये हमारे वेज फिलिंग, देखो भाई साहब भरपूर है, वेज में है ये। बाकी कौन से वाले टेस्ट करें, म्यूनिस से ही करते हैं टेस्ट करते हैं। एकदम यूनिक सा टेस्ट है, जो उनके अंदर की ग्रेवी है ना, अंदर ग्रेवी कह रहा हूँ मैं, स्टफिंग। मतलब कई बार आप टेस्ट करोगे ना तो पत्ता गोभी का टेस्ट अलग सा आता है, इन्होंने ना अंदर जो स्टफिंग का वो है फ्लेवर एकदम यूनिक है, एकदम अलग ही टेस्ट आ रहा है। अब हम आते हैं अपने प्लेटर की तरफ। ये था हमारा पैन फ्राई मोमोज, ये अंदर की स्टफिंग दिखाता हूँ इसकी, ये देखो पूरा पनीर भरा पड़ा है अच्छे से,
स्टफिंग मेरे को अंदर की यहाँ पे अच्छी लग रही है, नहीं तो खाली खाली होती है। बाकी मेरा हाथ गंदा हो चुका है, पर कोई नहीं, ये देखो टेस्ट करते हैं। मोमोज का टेस्ट तो है, टेस्ट है, लेकिन मेरे हाथ के पूरे गंदे हो चुके हैं। जब मैं अभी टेस्ट की बात करता हूँ, अंदर जो अंदर की स्टफिंग में बताया था अभी कि इन्होंने अंदर की स्टफिंग में अलग ही फ्लेवर डाला है, और जो बाहर फ्लेवर है उसका भी एकदम यूनिक टेस्ट है। इसमें शायद मेरे को याद शायद शेजवान चटनी डाली थी, हल्का हल्का स्पाइसीनेस विद कुरकुरापन बहुत बढ़िया लगा। तो गाइस मैंने भी आपको इसका टेस्ट बताया पैन फ्राई का, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कसम से बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो इसलिए अब मैं इनका इस्तेमाल करूँगा। ये था हमारा, नाम भूल गया मैं इसका, शराबिया मोमोज है ये, शराब वराब नहीं, लेकिन टेंशन मत लो। इससे खोलते हैं, हाथ गंदा हो रहा था यार, गंदा ही करना पड़ेगा, नहीं खुल रहा इससे। वो हो, ये तो कुछ ज़्यादा ही वो हो गए, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए गाइस ये। अंदर की फीलिंग देखो भाई साहब, वेज और चिकन थोड़ी मिक्स लग रही है, तंदूरी नहीं क्या नाम था, हाँ शराबिया, अलग ही है इसके अंदर की फीलिंग, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा। अगला खाली शराबी मोमोज टेस्ट करोगे लोगे ना, मेरे को नहीं लग रहा एक प्लेट में आपका पेट भरेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और टेस्ट भी एकदम अलग है। और ये हमारा अफगानी, ओ भाई साहब ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखो फीलिंग भी इनकी गजब है। हाथ पे लगी यार, शिट। तो गाइज मैंने नाम गलत बता दिया था, मेरे कैमरामैन ने मुझे भी बताया कि इसका नाम था तंदूरी अफगानी मोमोज था, लेकिन इसका टेस्ट और इतने ज़्यादा सॉफ्ट है, गजब। और इसके अंदर कुरकुरे तो आपको मैंने बता ही दिया, इसमें भी कुरकुरे था, इसमें कुरकुरे था थोड़ा, मैं निखारा पेट भर चुका है बहुत ज़्यादा। इसको ट्राई देखते हैं, ये हमारे चीज़ कॉर्न मोमोज, ओहो ये इसकी फीलिंग देखो, चीज़ और कॉर्न से भरपूर है। इसको हम खाएंगे रेड वाली से, अब तक हमने यूज़ ही नहीं किया क्योंकि यूज़ में आया ही नहीं है। बढ़िया टेस्ट है इसका भी, चीज़ और कॉर्न का। ये हमारे स्टीम, इनकी थोड़ी जो इनके वो है बनाया है थोड़ा अलग तरह से बनाया है उनकी, देखो जो इनकी लेयर है ज़्यादा पतली है, अंदर की फीलिंग दिख रही है। ये देखो भाई साहब, पनीर के भर भर के डाल रखे हैं, इसको हम खाएंगे, इसी से खाते हैं। बाकी ओवरऑल मेरे को सबका टेस्ट अच्छा लगा, कोई चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी कि थोड़ी अजीब हो बेकार हो। सबसे बढ़िया मेरे को टेस्ट लगा इसमें इसका पैन फ्राई मोमोज और एक ये वाले शराबिया, गजब। बाकी हमारे लास्ट आ रही है हमारी चॉकलेट मोमोज। तो गाइज हमारे चॉकलेट मोमोज आ चुके हैं, नीचे देखो, देखने में बड़े मस्त लग रहे हैं। हमने तोड़ के एक इंस्टाग्राम के लिए रील बना ली है, अगर आपको देखनी हो तो देख लेना, दिल्ली स्ट्रीट फूड बन नाम है मेरा, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। बाकी अब टेस्ट करके देखते हैं, एक पीस 45 का है, मैंने तीन लिए हैं, ठीक है, ये आके लड़ने मत लगना कि 45 में मेरे को तीन पीस दो। बाकी इन्होंने चार पीस करके दिए हैं इसके, ये देखो अंदर ब्राउनी भरी हुई है इसके अंदर, टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट एकदम ना ब्राउन, अंदर ही ब्राउनी है और बाहर भी चॉकलेट है, तो थोड़ा मोमोज का टेस्ट तो आ ही नहीं रहा, आपको इसका टेस्ट आएगा एकदम चॉकलेट ब्राउनी जैसा टेस्ट है इसका एकदम, क्योंकि अंदर ही ब्राउनी है बाहर भी चॉकलेट है, थोड़ा थोड़ा मतलब मैदा का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा, अलग से कभी कभी लगता है और तेल का अलग से टेस्ट आता है, तो वो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो गाइज हमारे हमने टेस्ट कर लिया, हमारी सारी आइटम ने टेस्ट कर ली, मेरे को किसी में कोई बुरा नहीं लगी, सब का टेस्ट अच्छा है, प्राइस भी सही है, पॉकेट फ्रेंडली है थोड़ा। और लोकेशन की बात करें तो हम आए हैं मालवी नगर में मिशन मोमोज, एकदम एग्जैक्ट तो मेरे को ऐसे याद नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से गूगल लोकेशन से आ सकते हैं। और अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।